नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी, बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, गियर रिलेटेड जितनी सारी समस्याएं रहती ना उसके बारे में आपको पूरा बता रहा हूँ, उसका क्या समाधान रहता है उसके बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम रहती है। गियर शिफ्टिंग दो दो तरीके की रहती है, एक तो गियर स्लिप हो रहे हो, दूसरा रहता है यदि गियर टाइट हो रहे हो। तो एक तो स्लिप हो रहे हो, दूसरा रहता है गियर टाइट हो रहे हो। तो मेरे पास मैनुअल है, तो मैनुअल के अनुसार आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ, उसका मैं आपको पूरा समाधान बताऊंगा। ये गियर स्लिपेज क्या होते हैं? गियर सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। जब हम बाइक चला रहे होते हैं तब हम जब गियर लगाते हैं तो वो लग जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, तो ये गियर स्लिप हो रहे हैं। दूसरा क्या कारण रहता है? जब हम बाइक को फोर्थ गियर पे लगा रहे हो, जैसे हम फोर्थ गियर पे लगा रहे हैं तो जैसे आगे हम गाड़ी को बढ़ाते हैं और ऑटोमेटिक वो पहले गियर पे आ जाती है, तो सडनली जर्क लगता है। तो जो गियर स्लिपेज, स्लिप होना और गियर हार्ड लगना बहुत बड़ी समस्या समाधान होता है। बाय द वे, हम कोई से ओवरटेक कर रहे हो, अचानक हमने फोर्थ गियर लगाया और हम स्पीड से और पीछे कोई गाड़ी आ रही हो, अचानक गियर स्लिप हो जाता है, उसकी वजह से क्या रहता है, स्पीड नहीं पकड़ पाती और एक्सीडेंट के चांस रहते हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, इसका आपको समस्याओं का समाधान आपको जरूर करना पड़ता है। अब रहता है गियर शिफ्टिंग हार्ड, ये तो गियर स्लिप का है। गियर शिफ्टिंग हार्ड, जब हम बाइक को के गियर को लगाते हैं तो गियर चेन लीवर में हम टाइट गियर लगते हैं, तो यानी हम जैसे गियर लगाते हैं तो वो टाइट से लगते हैं, तो उसका क्या कारण रहता है? सबसे पहले कारण रहता है गियर टाइट लग रहा है, हो सकता है क्लच प्लेट खराब हो गई हो, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। यदि वो सही है तो आपको कुछ, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम उसका क्या सोल्यूशन रहता है? गियर शिफ्टिंग हार्ड है तो सबसे पहले आपको ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के सभी गियर को सही चेक करना चाहिए। जो गियर बॉक्स रहता है उसके अंदर के इनपुट आउटपुट चेक करना चाहिए, इसके अंदर ज़्यादा प्ले तो नहीं आ गई हो, कहीं इसके जाम तो नहीं हो गए, तो आपको ये चेक करना चाहिए। गियर चेंज लीवर जाम तो नहीं है, जो गियर चेंज लीवर रहता है वो कहीं जाम तो नहीं है, वो स्ट्रिक तो नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। गियर चेंज लीवर की स्प्रिंग टाइट तो नहीं है, जो गियर चेंज लीवर रहता है उसकी स्प्रिंग देख लो कि हाँ ये टाइट तो नहीं है। तो आपको अच्छे तरीके से चेक करना है, तो मैंने जो स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप को आप चेक करोगे तो आपको समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसके बाद गियर शिफ्टर स्टॉपर की जो रोलर रहता है वो कोई लूज तो नहीं होगा, जो गियर शिफ्टर रहता है उसके अंदर का जो रोलर रखा रहता है वो कहीं लूज तो नहीं हो गया, उसकी वजह से भी गियर हार्ड लगते हैं। ड्रम शिफ्टर जाम तो नहीं है, जो ड्रम रहते हैं गियर चेंज जब जो ड्रम रहता है वो उसके अंदर के जो जाम तो नहीं है, फोर्क पिन जाम तो नहीं हो रही, उसकी वजह से गियर हार्ड लगते हैं। हो सकता है इसके अंदर फोर्क और फोर्क पिन के अंदर एक्सेसिव कार्बन डिपॉजिट जम गया, उसकी वजह से भी ये गियर हार्ड लगते हैं। तो ये मेन रीजन रहते हैं गियर हार्ड के। आप रहते हैं गियर स्लिप हो रहा है, उसके क्या रहते हैं, क्या रीजन रहता है गियर स्लिप हो रहे हो? क्या रहता है? गियर चेंज लीवर स्प्रिंग टूट गई हो, सकता है गियर चेंज जो लीवर रहता है उसकी स्प्रिंग टूट गई, उसकी वजह से गियर हार्ड लगते हैं। गियर के डोग खराब हो गए हो, जो गियर रहते हैं ना उसके अंदर के जो टीथ टीथ रहते हैं, डोग रहते हैं, ये डोग दिख रहा होगा, ये डोग रहते हैं वो कहीं खराब तो नहीं होगा, उसकी वजह से रहते हैं। ड्रम के ग्रू खराब तो नहीं होगा, जो गियर चेंज लीवर रहता है उसके अंदर के जो ड्रम का ग्रू देख लो, इसके अंदर के जो ग्रू देख लोगे तो आपको दिख जाएगा हाँ ये सही है। यदि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी पिले ज़्यादा आ रही हो, थोड़ा बहुत भी इसके अंदर आपको डिफेक्ट लग रहा है, तो आप इसको चेक कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फोर्क पिन में टूट तो नहीं गई हो, जो फोर्क रहता है उसके अंदर की जो पिन रहती है वो कहीं टूट तो नहीं गई हो, तो इनको आपको अच्छे से चेक करना है। फोर्क पिन रहती है उसके अंदर ज़्यादा प्ले तो नहीं आ गए, उसकी वजह से भी गियर स्लिप होते हैं। तो ये मेन रीज़न रहते हैं गियर स्लिप होने के। अब आपका गियर आवाज़ कर रहा है, आवाज़ करना बहुत बड़ी बात रहती है। गियर आवाज़ कर रहा है तो कौन से गियर में आवाज़ कर रहा है? फर्स्ट गियर में कर रहा है, सेकंड गियर में कर रहा है, थर्ड गियर में कर रहा है, फोर्थ गियर में। जब आप खोल, हो सकता है जब भी गियर आवाज़ करता है तो खट 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 की आवाज़ रहती है। हमने पहले गियर लगाया आराम से आप चला रहे, दूसरे गियर लगाया तो आराम से, जैसे हम तीसरा गियर लगाए हो सकता है उसी गियर में खराब होगा, तो अब आपको पता होना चाहिए कौन सा गियर होगा। तो आपको अंदर से तो बाहर से तो कोई पता चलेगा नहीं कि थर्ड गियर में इनपुट शाफ्ट का टूटा या आउटपुट शाफ्ट का टूटा। तो आप जब भी आप खोलोगे तो सब चीज़ों को अच्छे चेंज करना है, गियर चेंज लीवर को चेक करना है, ड्रम को चेक करना है, फोर्क को चेंज कर चेक करना है, इसके बाद फोर्क पिन को चेंज कर चेक करना है आपको अच्छे से। इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पहला गियर है, दूसरा गियर है, तीसरे गियर के टीथ खराब हो गए। जब ये टीथ खराब हो गए तो आपको इनपुट शाफ्ट के भी टीथ देखना है, यदि कोई ख़राब नहीं, क्योंकि एक बार इंजन खुलता है इसके बाद आपको फिट करना होता है। यदि आप अच्छे से देख लोगे तो फिर समस्याओं का समाधान, समस्याओं आएगी नहीं, यदि आपने सही ढंग से नहीं देखा समस्या आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ही आप देख ला थर्ड गियर को हमको बदलना है, तो थर्ड गियर को निकालो, थर्ड गियर को आसानी से बदल दो, उसके बाद फिर इंजन को फिट कर दो। इंजन को जब भी आप फिट कर रहे हो तो जो गास्केट लगाते हैं उसके अंदर कभी भी ग्रीस या तेल लगा कर नहीं लगाना चाहिए, ऑयल लगा के नहीं लगाना चाहिए, क्या लीकेज की संभावना बनी रहती है।
और जो गास्केट आ रहा है उसी गास्केट को फिट करना चाहिए। थोड़ा सा पानी में डुबो दो, उसके ऊपर लगा दो, या जो गम रहता है चिपकाने वाले वो रहते हैं उसके ऊपर चिपका कर लगा दो। तो ये मेन रीज़न रहते हैं किसी भी गाड़ी बाइक के अंदर गियर के समस्याएं, यानी गियर स्लिप हो रहा है, गियर हार्ड लग रहा है, या गियर आपका आवाज़ कर रहा है या टूट गया, तो ये मेन समस्या रहता है। मैंने मैनुअल के अनुसार आपको बताया। यदि आपको मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।